हाय गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग। तो अभी अभी जस्ट हम लोग आए हुए हैं माल रोड से घूम के, और सोलांग वैली और क्या रोहतांग, तो बहुत सारी जगह हम घूम के आए हैं। एक्चुअली मैं नाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, सो प्लीज़ डोंट जज। और बहुत ही अच्छा सा वेदर हो रहा है अभी। एक्चुअली क्या है ना कि हमारी गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई है, तो इनका फ़ोन रह गया था, तो फिर हम फ़ोन लेने के लिए आए थे। तो मैंने कहा व्लॉग मैं स्टार्ट कर देते हैं हम यहाँ से। और हमारा होटल है बहुत अच्छा है, मतलब बाहर से होटल जैसा लगेगा बट अंदर से वो पूरा कॉटेज टाइप का बना हुआ है, तो बहुत अच्छा है। मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में भी यहाँ की बहुत ज़्यादा तारीफ करी हुई थी आप लोगों के सामने। पहले ना लग रहा था हम लोगों को कि बहुत ज़्यादा सर्दी 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 है, बट अभी ना मतलब एडजस्ट हो गए हैं इस वाले वेदर में। तो बस ऐसा लग रहा है ना कि हाँ कपड़े पहन लो, ढेर सारे कैप वगैरह लगा लो, ग्लव्स लगा लो। अभी तो देखो ग्लव्स भी नहीं ली हूँ, इतनी कुछ खास सर्दी नहीं लग रही है क्योंकि आप माहौल में एडजस्ट हो गए, बट अच्छा बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। आप लोगों को व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे ना पूरे देखना, पूरी सीरीज देखना, हम लोग कहाँ कहाँ गए थे और अभी हम कहाँ कहाँ जाएंगे लौटते वक्त, ठीक है ना। सो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो आप लोग। तो अभी हम ऑर्डर दे देते हैं, डिनर का ऑर्डर दे दिया है, पर वेज डिनर देखते हैं भैया वगैरह क्या ऑर्डर करेंगे। बाकी एग करी का प्रोग्राम है आज। इनका किचन एरिया है, इतना सुंदर लग रहा है ना, लाइट्स वगैरह लगा के रखी है, बहुत ही प्यार लग रहा है। मैंने ना इंस्टाग्राम पे अभी अभी स्टोरी भी शेयर करी इसी जगह की, जहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ। आ गए ऊपर, अभी मैं लाइव गई थी यूट्यूब पे, ऐसे ही वो बैठी हुई थी तो आ गई मैं लाइव। और हमारे साथ में यहाँ पे भैया वगैरह बैठे हुए हैं, हाय कर दो भैया। हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग। हम लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है ना। और अभी हम आ गए हैं अपने रूम में। रूम तो वैसे आप लोगों ने देख लिया है ना, पहले मैंने वीडियो दिखा दिया था जब हम लोग यहाँ पे स्टे करने के लिए रुके हुए थे। और रूम हीटर वगैरह लगा के यार एकदम पूरे रूम सर को गर्म कर रखा है, कोई सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है। हाँ देखो चार्जर फ़ोन भी चार्ज करना बहुत ज़रूरी है ना, ये तो फ़ोन ही चार्ज होगा तो वीडियो कैसे बनेगी इसी। वैसे मैं ना बैटरी पावर बैंक तो उससे फ़ोन वगैरह मैंने चार्ज कर लिया था। और हो सकता है कि हम परसों यहाँ से चले जाएँ, कल और हम स्टे करेंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी जब मैं सुबह जाऊँगी ना तो आपको सामने का नज़ारा दिखाऊँगी, तो बहुत सुंदर लगता है। और अभी हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे सेब के पेड़ हैं, एप्पल के पेड़ हैं, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर से जिसमें एप्पल भी लगा हुआ है, जस्ट हमारे विंडो के सामने से दिखता है। अभी रात हो रही है ना तो सुबह दिखेगा नहीं, बट मैं सुबह आपको मॉर्निंग में पक्का दिखाऊँगी। तो अभी ना मैं बाहर गई हुई थी, एक्चुअली पेयर मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे, अलग मेजोरिटी चलती थी उनकी। और मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फ्री होकर बैठी थी, मैंने कहा वीडियो एडिट कर ली थी जब तक मैं, और इन्होंने मेरे को बुलाया था हम डांस करते हैं। डांस का बहुत ज़ोर से सर्दी लग रही है और सच में। और अभी हमने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, मंचूरियन खा लिया है, पनीर भुर्जी खा लिया है, वो सैलड वाला पापड़ भी खाया है, और हमारी एग करी बनने में थोड़ा टाइम है, वो बन जाएगी, उसके बाद में हम डिनर भी करेंगे। थोड़ा बहुत खाया क्योंकि भूख लग रही थी, और वहाँ से आने के बाद में पूरा दिन भर हो गया था सोलांग वैली में, बहुत सर्दी हो रही है। आज डिनर में स्पेशल एग करी, दाल तड़का है और है जीरा राइस, चपाती। सो गई थी बताए आप लोग बातें करके, मैं सो गई थी। हाँ काफ़ी लेट नाइट हो गया है, हमारा जो डिनर है वो आके रख गया था, ठंडा भी हो गया है, तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और खाना खाते स्पेशल एग करी है, भूख लग रही है। और कॉफी डाल दो जानी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो सुबह सुबह से हम पी रहे हैं ब्लैक कॉफ़ी। मेरे गले में ना बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा लग रहा है, और कोल्ड भी हो गया है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं हुआ है क्योंकि कल हम लोग वहाँ गए हुए थे और मैंने ना कैप ही लगाई थी, एयर ओपन करा हुआ था, थोड़ा सा फैशन में थी। क्या है ना ब्लैक कॉफ़ी से थोड़ा सा आराम मिलेगा आपको गले में, इसलिए पीना ज़रूरी है। और आज ना हम लोग निकल रहे हैं ग्वालियर के लिए। वैसे हमारा प्लान था कि आज हम रुकेंगे और इग्लू में स्टे करेंगे, बट काम है यार, देखो हॉस्पिटल है तो इतने दिन हम गायब नहीं हो सकते ना। पहले था कि चलो ठीक है, बट अभी मैनेज नहीं हो पा रहा है तो जाना पड़ेगा। तो वैसे हम निकलेंगे और आई थिंक हम इस बार कहीं स्टे नहीं करेंगे, सीधे डायरेक्ट कॉलेज जाएंगे।
तो पहले ये भी प्लान था कि हो सकेगा कि शायद हम चंडीगढ़ मतलब स्टे कर लेंगे। कॉफ़ी डाल रहा है, पूरी मत डालो यार, थोड़ी सी है। कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी फ़ायदा करेगी ना, कफ काटती है ना। पहले मैं बिल्कुल भी कॉफ़ी नहीं पीती थी, ब्लैक कॉफ़ी बहुत कड़वी लगती थी, बट अभी आदत हो गई है, एटलीस्ट गर्म पानी पी लेते हैं उसके थ्रू, नहीं तो गर्म पानी के टेस्ट में बड़ा गंदा लगता है। कड़वी हो गई है, ठीक है, कॉफ़ी आई। मैं दिखाती हूँ मनाली का सुबह का व्यू, जो हमारे रूम की बड़ी सी विंडो के सामने है। Look at the view, so beautiful ना। और भी देखिए वहाँ पर आपको दिख रहा है ना, उसके जस्ट पीछे काफ़ी बड़े बड़े से बर्फ़ के पहाड़ हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे कॉटेज बने हुए हैं, होटल्स वगैरह। तो लोगों ने ना काफ़ी ज़्यादा टॉप पे अपना होटल लिया हुआ है, और वो ना सेब का बाग है, मतलब एप्पल का पेड़ है वहाँ पे, तो वहाँ पे एप्पल्स वगैरह भी हैं। अभी ना मैं नीचे जाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। हर चीज़ देखो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाती। और जो हम लोगों ने अपना ये होटल रूम लिया हुआ है ना, ये रूम नहीं, ये पूरा घर है एक्चुअली, क्योंकि इसमें ना 2 BHK है और काफ़ी बड़ा है ये, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा देखो स्पेस यहाँ पे दिया गया है, कॉरिडोर बोलेंगे इसको। और यहाँ पे भी बहुत ही बड़ा सा विंडो है। जब हम जिस दिन यहाँ पे आए थे उस दिन मैंने इसका पूरा टूर वीडियो दिया था कि क्या क्या कैसे है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस वजह से हमने यहाँ पे लिया क्योंकि काफ़ी सारे टॉप पे है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे, तो मैंने कहा व्लॉग तो बनता है आप लोग के साथ पे, और इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे ना तो प्लीज़ ज़रूर जाकर देखना, स्टार्टिंग से बहुत अच्छे अच्छे से। तो चलो अब मैं आपको ना यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ना आपको ना बर्फ़ के पहाड़ देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पे है, ये देखो ये सारे जो पहाड़ दिख रहे हैं ना वाइट वाइट से, ये पूरे बर्फ़ के पहाड़ है, ना कि बादल है। पहले लग रहा था बादल है, पर ये पूरे बर्फ़ के पहाड़ है, और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। और वहाँ पर भी देखिए वहाँ पर भी बर्फ़ है ना उस साइड में, उसके जस्ट पीछे भी और बर्फ़ के पहाड़ हैं, और यहाँ पे भी सारे होटल्स कॉटेज वगैरह हैं, यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है। और आज ना हम लोग थोड़ा सा जल्दी उठ गए थे, मतलब लेट सोए थे पर फिर भी थोड़ा सा जल्दी उठ गए थे, तो कल तो मेरे को मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी ना, इस वजह से काफ़ी लेट तक सोते रहे थे। तो आज वैसे हमने मनाली तो अपना घूम लिया है, माल रोड घूम लिया है, और मतलब और भी कई सारी जगह घूम लिया, ब्लॉग में देखा ही होगा, और इंस्टाग्राम पे मैंने जस्ट अभी स्टोरी भी अपडेट करी है, तो फॉलो नहीं करे तो कर लो शिवी लाइफ स्टाइल के इनसे। बाकी जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, मेरे व्यूअर्स आ रहे हैं, उनको मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ब्लॉग डालूँ तो आप लोग पसंद करो उसको। तब मैं जा रही हूँ रूम में अपनी और शावी लेती हूँ, एंड उसके बाद मैं रेडी वेडी होकर आपसे मिलूँगी। है और ये हमारा किचन है तो पूरा है, अभी तो फैल कैबिन दिखाऊँगी मैं आपको। बाय।